बीकॉम, बीकॉम क्या होता है, बीकॉम के बारे में अगर आप कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बीकॉम में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद क्या चीज़ अच्छी होंगी, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप बीकॉम करने के लिए जा रहे हैं या कॉमर्स साइड के हैं या आप बीकॉम के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो अगर आपने स्किप कर दिया तो समझ लेना आपने बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे मिस कर दी है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 15 दिन के आसपास का टाइम लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इसमें कितनी रिसर्च की होगी और कितना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत ज़्यादा आपकी क्वेश्चंस आ रहे थे कि बीकॉम पे एक वीडियो बनाएं, तो हमने टाइम लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई भी वीडियो में टाइम ज़्यादा लगता है, समझ लेना कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। मैं कोई भी वीडियो ऐसे नहीं कि उठा एकदम से बना दी। तो स्टार्ट करते हैं कि बीकॉम कौन कर सकता है। सबसे पहले 12th करने के बाद में सबसे पहले बंदे कौन होते हैं, कॉमर्स, कॉमर्स वाले बीकॉम की तरफ सबसे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ये एक मिथ है, गलत बात है कि सिर्फ आप कॉमर्स वाले बीकॉम कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं और साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो बीकॉम को तीनों स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। कौन कौन? आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी और कॉमर्स वाले भी। बीकॉम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। अब बात करते हैं कितने साल का कोर्स होता है। 3 साल की डिग्री है ये। ठीक है, तो 3 साल की डिग्री है, उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। बात करते हैं कि बीकॉम कहाँ से करें, है ना। बीकॉम एक अच्छा ऑप्शन है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपका माइंड, जो आपका माइंड है वो अकाउंटिंग की टाइप में है, अकाउंटिंग की लाइन में है, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आने वाले टाइम में। उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये लगभग 10 मिनट की वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आप इस वीडियो कंप्लीट नहीं देखना चाहते तो अभी जा सकते हैं, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी चीज़ का नहीं होता है ना। नीम हकीम खतरा है जान, सुना होगा तुमने कि जो नीम है और हकीम है दोनों खतरा, दोनों से नुकसान होता है आपका। तो अब बात करते हैं कि हमने कि बीकॉम बता दिया कौन कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज आपकी 12th में होनी चाहिए 10+2 में। तो 10+2 में अगर आपकी 50 से 55% है तो आप जा सकते हैं। वैसे अलग अलग कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, कहीं पे मेरिट बेस होता है, 60 भी होता है कहीं पर। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो 75-80% तक भी मेरिट लगती है, तो आपको देखना। तो अगर आप बीकॉम के लिए जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बीकॉम में वही बंदे जाएँ जिनको अकाउंटिंग लाइन में अपनी लाइन बनानी है। ठीक है, अगर आपका माइंड जो है वो अकाउंट में काम करता है, आपको फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बैंकिंग सेक्टर अच्छे लगते हैं, और तो आप इस चीज़ में जाएं, जरूर जाएं। बात दूसरी करते हैं, कॉलेज कौन सा चूज करें। तो कॉलेज चूज करना सबसे मेन चीज़ है। आप कोई भी कोर्स करते हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा कॉलेज या अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी इसके लिए यूज करें, मतलब कि कोशिश करें कि उसमें आपका एडमिशन यहाँ से हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, MMC से कर सकते हैं, कुछ मैंने लिख के भी रखी है। जैसे कि आप दिल्ली के अंदर बात करें तो SRCC श्रीराम वाली की है। दो दिल्ली में जो श्रीराम वाले कॉलेज हैं वो भी अच्छे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया है। आपका क्रिस यूनिवर्सिटी बेंगलोर के अंदर बहुत अच्छी है। हंसराज कॉलेज आपको बताइए, आपका दिल्ली में MCC से कर सकते हैं। ठीक है, आप सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से कर सकते हैं। हिंदू कॉलेज ये भी दिल्ली के अंदर है। तो बहुत सारी जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनसे करने की कोशिश करें, यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चूज करने की कोशिश करें। तब अगर आप बीकॉम करते तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर है। बात करते हैं कि आपको बीकॉम के अंदर कितनी परसेंटेज अगर मेंटेन रखनी चाहिए अगर आपको आगे के लिए अच्छी चीज़ सोच रही है, तो कम से कम आपकी किसी भी ग्रेजुएशन के अंदर 65 से 70% अगर आप लेके चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर इतनी मेहनत कर 65 से 70% का एक एवरेज बना के चलें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि बीकॉम के बाद या बीकॉम के साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि आप करते हैं, जैसे CA वगैरह, CS वगैरह। तो इन कोर्स को आप कॉमर्स के, मतलब 12th के बाद भी कर सकते हैं और बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, या इनके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप CA की तरफ भी जा रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ भी जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कॉमर्स वालों के लिए, तो उसमें भी आप रेगुलर कॉलेज जरूर जाएं, कॉलेज उसके साथ कर सकते हैं। बहुत बच्चों के सवाल आते हैं क्या हम CA कर सकते हैं बीकॉम के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या आप डिग्रियों के साथ में कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स के साथ डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रोफेशनल कोर्स है और आपका जो बीकॉम है वो एक क्या है, डिग्री कोर्स है। बात करते हैं अब कि बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हैं या बीकॉम के साथ में क्या कर सकते हैं। तो बीकॉम के बाद में अगर हम सबसे
एक 5-7 ऑप्शंस की बात करें तो आप एमकॉम कर सकते हैं, ठीक है, आप एमबीए कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एमबीए कर ले, ठीक है, फाइनेंस से या जिस भी आप कर ले। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीकॉम या बीएससी या बीए, अगर आपको इनमें डीप नॉलेज लेनी है या आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। मान लो एक बंदा क्या करता है, डिग्री के लिए करता है, लेकिन एक का शौक है, एक को उसी के अंदर जाना है अंदर, तो वो क्या करे, वो ऑनर्स चुने, ठीक है। अगर आप बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी कर ले तो उसके अंदर ऑनर्स का भी एक ऑप्शन आपके पास होता है। एक होता है जनरल, जिसको हम जनरल बोल सकते हैं, और दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है ऑनर्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज दी जाती है। तो ऑनर्स से अगर आप बीकॉम करते हैं और एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से करते हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा उनमें से अगर आपने कुछ कर लिया, तो आप बहुत ही अच्छी जॉब पाओगे और आपकी जो सैलरी होगी बहुत ही ज़्यादा होगी, लाखों में आपकी सैलरी होने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझे, ठीक है। तो हमने बता दिया बीकॉम कौन कर सकता है, बीकॉम कितने साल का होता है, बीकॉम कहाँ से करना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे बेस्ट कौन कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं लेकिन बेस्ट होना चाहिए। इग्नू वगैरह से अगर आप करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से, तो सिर्फ वही कहें जो सीए वगैरह कर रहे हैं तो वो वहाँ से कर सकते हैं, वरना इनसे मतलब इनसे दूर रहिए, ठीक है। एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं। बीएड करने, ये बीएड वो करता है जिसको टीचिंग लाइन में जाना है, तो जो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, जिससे आप आगे इसमें पीजीटी के टीचर या प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सीएफए कर सकते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकते हैं, ACCA कर सकते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, ठीक है, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन सकते हैं, CIMA कर सकते हैं, ठीक है, चार्टर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बाद CPA कर सकते हैं, या फिर आप बेस्ट अगर तीन ऑप्शन की बात करें, CA तो बेस्ट है, उसके तो कहने की कोई बात ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी आप कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं। अगर आप इन तीन चीज़ों में से कर सकते हो तो बहुत बेटर है। इसके साथ में एक कॉम्बिनेशन और भी अच्छा आता है, LLB कर सकते हैं। LLB वैसे तो ग्रेजुएशन का कोर्स ही होता है, ग्रेजुएट का है, उसके बाद LLM कर सकते हैं आप। तो अगर आपने BCom किया हुआ या LLB LLM कर लिया इसके साथ में तो बहुत बेस्ट है। CA कर लिया तो उसके कोई बात ही नहीं, CS कर लिया जब भी बहुत अच्छी। जितने भी मैंने कोर्स बताए, MCom, BEd, या फिर आपको CFA, ACCA, CIMA या CPA, CS, CMA, MBA, CA, इनमें से अगर आप इनके साथ में कोई कोर्स कर लेते तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपकी लाइफ के लिए। तो BCom जरूर करें अगर आपका इंटरेस्ट है, अच्छे कॉलेज से करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप अगर ऑनर्स से करते तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऑनर्स से करें। अगर CA कर रहे हैं इसके साथ में तो अच्छी बात है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो 3.5 साल के आसपास का होता है, इसके साथ में अगर आप करते हैं मतलब 12th के बाद तो 5 साल के आसपास का होता है। मेहनत लगती है लेकिन देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये चीज़ें थी जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कॉलेज में बता चुका हूँ आपको आपकी जॉब वगैरह किस में लग सकती है, IBM, Dell, Wipro, HP, इस तरह की जो आपकी कंपनी है उसमें आप जा सकते हैं, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा बैंकिंग में आपका बहुत ज़्यादा क्रेज है, बैंक में आपके निकलते रहते हैं, तो बैंकिंग में बहुत बड़ा एक आपका क्राइटेरिया है, एक आपका जॉब ऑप्शन है वहाँ पे, उसके अगर उससे अलग आप फाइनेंशियल में जा सकते हैं, बहुत स्कोप है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि BCom के साथ में आप एक ऑनर्स, BCom ऑनर्स जरूर करें, BCom ऑनर्स करें, और एक अच्छे कॉलेज से करें या एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, DU वगैरह से करें, अगर आपके वहाँ पे MCC से कर सकते हैं, मद्रास क्रिश्चियंस जो होती है आप पुणे में भी है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे कॉलेज से करें या यूनिवर्सिटी से करें और रेगुलर करें, तो आपका बहुत अच्छा स्कोप है BCom के अंदर कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ नेगेटिविटी से बढ़ के रहे हैं ना, नेगेटिविटी क्या है, कुछ भी कर रहे हैं आप, हर चीज़ में ऑप्शंस हैं, लेकिन सिंपल बात है कि आप उसकी नॉलेज कहाँ तक लेके चल लें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। आप जब उसको पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप इंजॉय कर रहे हो, है ना। अगर आप बोर होते हुए किसी चीज़ को कर रहे हैं तो फिर वो गलत चीज़ है। तो इन चीज़ों का आप कोशिश करें इन चीज़ों को समझने की, और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से 100% देने की, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको इनसे अलग किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, वैसे हम बना चुके हैं BSc पे, BSc नर्सिंग पे, BPharma पे, BA क्यों करें, UPSC पे, ISPCS का उसमें आ गया, उसके बाद में हम BTech पे बना चुके हैं, BCA पे बना चुके हैं, BBA पे बना चुके हैं, तो ये वीडियोज भी आप देख सकते हैं, कैरियर ऑप्शंस नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज है तो उसमें भी बता रखा है कि कन्फ्यूजन अगर आपको है कि कौन सा स्ट्रीम आपको लेना चाहिए, किस चीज़ में आपको जाना चाहिए, वो हम सब उसमें बता रहे हैं। और जो आप 12th के बाद कौन से जॉब्स आप एकदम से डायरेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी हमने उसमें बता रखा है। तो कैरियर ऑप्शंस की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें रेगुलर वीडियोज आती रहती हैं आपके लिए, तो उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखें। और अगर आप नए हैं चैनल पे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करें इसके बारे में,
में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि वो बीकॉम करें या ना करें, या बीकॉम के बाद अच्छा जॉब ऑप्शन है या नहीं है। लेकिन बीकॉम के बाद जॉब ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, वो आपको करनी। बताना चाहते हैं, अगर आप 12th क्लास में, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके आस पड़ोस से कोई भी 12th क्लास के अंदर आया है, तो आप उसको हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी वीडियोस, उनकी पीडीएफ्स वगैरह मिलती है। केमिस्ट्री खुद मैं पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री के लिए तो आप 100% श्योर रहिए कि इस चैनल पे आपको पूरा कुछ मिलने वाला है, 9th से लेके 12th क्लास तक और बीएससी क्लास तक। ये चैनल उन बच्चों के लिए भी है जो 12th क्लास में इस साल आए हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे, बेस्ट ऑफ।